विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक 4 प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। कल से नामांकन में तेजी आने की उम्मीद, 25 तक उम्मीदवार भर सकेंगे पर्चे। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 3.25 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। सीईओ ने कहा 50,000 रुपए तक ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। कई बड़े चेहरों को मिली जगह। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से लड़ेंगे चुनाव। और उम्मीदवारों के नामों को लेकर कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक। इंडी में सीट शेयरिंग से आरजेडी नाराज। दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी रखेगी अपनी बात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर अब तक 4 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि रविवार होने के कारण आज नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। 25 नवंबर तक होने वाले नामांकन को लेकर कल से तेजी आने की उम्मीद है। आज का दिन में एक नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है, उसका मिलाकर आज कल का नॉमिनेशन तक थी। आज एक हटिया में नया नॉमिनेशन भी, टोटल अभी तक 4 नॉमिनेशन फाइल हुआ। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 3.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान नकद 50,000 रुपए लेकर चलने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 50,000 से 10 लाख रुपए तक नकद ले चलने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। 315 करोड़ वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, कोई व्यक्ति 50,000 तक लेके जा रहा है वहां पर उनका कैश इंटरसेप्ट भी की जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं। आपका 50,000 से 10 लाख तक लेके जा रहा है उसके लिए कैश इंटरसेप्ट की जाती है, तो आप उसका शाम को वो कमेटी में ले जाएगी, डीडीसी के कमेटी में, डीडीसी के कमेटी के अनुसार उसका रिलीज की जाएगी। आपका कुछ कारण से आपका कैश कहाँ से बतापोस आपने ऑफिस वर्क से आपका बैंक में जमा करने लेके जाना पड़ती है, उसके लिए आप प्रियर इंफॉर्मेशन करके लेके जाएंगे। कहाँ पर 10 लाख ऊपर कैश ट्रांसफर हो रही है उसका वो इंटरसेप्ट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली आप इनकम टैक्स के बाद हैंड ओवर की जाती है उनका अपने प्रक्रिया के अनुसार उठाने पर। ये नियम आपका इलेक्शन कमीशन का क्लियर है, वो आपका पूरा कंट्री में एक ही नियम है, उसी का ही पालन की जाएगी सभी जगह पर। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाकुड़ नगर परिषद द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में 100% भागीदारी के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान लोगों ने मतदान का संकल्प भी लिया। रखते हुए निर्भीक होकर घर वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसमें हम लोग जो शहरी वोटर्स हैं, जहां वोटिंग परसेंटेज पिछले बार पूरे जिले से थोड़ा कम रहा था, तो उसमें भी हम लोग रात्रि चौपाल के माध्यम से जो यहाँ के वोटर्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आप सबके माध्यम से सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अपने पाकुड़ के लिए, अपने मताधिकार के लिए, अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए 20 नवंबर को जरूर बाहर आए और अपना वोट जरूर। गिरिडीह जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। शहर से लेकर गाँव तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गिरिडीह समाहरणालय में जागरूकता अभियान के तहत लोगों ने रक्तदान किया।
गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रेश लकड़ा ने रक्तदान के बाद कहा कि लोग 20 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। गिरिडीह वासियों को ये अपील करता हूँ कि रक्तदान महादान है और सभी इस एक बहुत ही अच्छे सोशल कॉज का, एक ह्यूमन कॉज का आप लोग हिस्सा बने। और साथ ही हम लोग विभिन्न प्रचार प्रसार और स्वीप एक्टिविटीज कर रहे हैं मतदाता जागरूकता हेतु, जो कि आज इसको हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के साथ में क्लब किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस सूची में कई बड़े चेहरों को शामिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि झामुमो से भाजपा में शामिल हुए चंपई सोरेन सरायकेला से और सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी। वहीं रांची विधानसभा सीट से सीपी सिंह चुनावी मैदान में हैं। हटिया से नवीन जायसवाल और कांके से जीतू चरण राम पर पार्टी ने भरोसा जताया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। भाजपा ने पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूची में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अमर बाउरी, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और सुनील सोरेन का नाम महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि चंपई सोरेन सरायकेला से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और लोजपा रामविलास की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर गठबंधन की स्थिति को स्पष्ट किया गया। संयुक्त प्रेस वार्ता को भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और लोजपा के रामविलास के झारखंड प्रभारी सह सांसद अरुण भारती ने संबोधित किया। लोजपा रामविलास झारखंड में एनडीए के तहत चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। झारखंड में जो हम चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन में भी लड़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक प्रदर्शन किया था बिहार में, उसी प्रदर्शन को हम यहाँ झारखंड में भी दोहराएंगे। सीटों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में एक साथ रह करके लड़ने से फर्क पड़ेगा। पहली सूची जारी होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीटों के आधार पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में डटकर काम करेंगे। झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों की सूची में 12 महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। कोडरमा सीट से इस बार फिर पार्टी ने नीरा यादव को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने पर समर्थकों ने नीरा यादव का स्वागत किया। मौके पर डॉक्टर यादव ने कहा कि कोडरमा की जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उधर खरसावां विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सोनाराम बोदरा को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने पर श्री बोदरा ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वे 25 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। को जीतना है और कमल खिलाना है। जो भरोसा मुझ पर किया है, उस पर हम लोग पूरा खरा उतरेंगे और इसको खरा उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के करसवां विधानसभा के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, महा अनुभव है, सभी साथीगण, सभी युवा साथीगण, सभी को साथ में लेकर हम लोग इस बार करसवां विधानसभा को
पता करने का निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। गिरिडीह जिले के प्रभारी श्री शर्मा ने कहा कि जिले में भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा ने पंच प्रण घोषित कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, वह गरीबों के लिए काम करती है। मौके पर गांडे की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी और जिलाध्यक्ष महादेव दुबे भी मौजूद थे। विगत सरकार जो न कर सकी उसका वादा है, और जब भाजपा का वादा होता है तो वो पूरा होता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन के लिए भाजपा का वादा था, और माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार बनते ही इस काम को उसने, हमारी सरकार ने वहाँ शुरू किया था। ऐसे ही गोगो दीदी योजना है, सिलेंडर के संदर्भ में है, आवास के संदर्भ में है, सारी जो पंच प्रण की योजनाएं हैं वो झारखंड में पूरी होंगी, जिसके प्रति जनता का बड़ा रुझान भी दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले 288 सीटों में से 125 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 105 से 110 कर दिया है। साथ ही साथ पार्टी अपने सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी, एसपी और सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। इसका उद्देश्य न केवल सपा को समायोजित करना था जो 4 सीटें मांग रही थी, बल्कि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सपा दोनों को सकारात्मक संकेत भेजना भी था। झारखंड में कांग्रेस ने पिछले हफ्तों में हुए परामर्श के दौरान 81 में से 33 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 29 करने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि 2019 में उसने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर नाराजगी जताई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजद नेताओं से बातचीत किए बिना सीटों का बंटवारा कर लिया गया है। इस बीच पार्टी आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी स्थिति स्पष्ट करेगी। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लिया। उधर इंडी गठबंधन ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। सीटों के बंटवारे की घोषणा करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि झामुमो और कांग्रेस 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, जबकि 11 सीटों पर सहयोगी दल राजद और माले चुनाव लड़ेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम भी जल्द तय किए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है, अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा, इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन देकर मतदान का समय कुछ इलाकों में अलग अलग रखने को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि राज्य में कुछ शहरी और ग्रामीण इलाकों में मतदान के समय को अलग अलग रखना सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए अधिकार के प्रतिकूल है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कल डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया। श्रीमती सोरेन ने नावाडी और डुमरी में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर संपन्न इसलिए बनाना है क्योंकि ताकत आपके हाथ में है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मानव तस्करी से मुक्त कराए गए नाबालिग बच्चों के पुनर्वास पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास को लेकर सरकार के पास नीति है या नहीं। अदालत ने इस संबंध में 13 नवंबर तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मानव तस्करी की शिकार एक लड़की के अब तक बरामद नहीं होने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। इधर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपावली होगा। दीपोत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपों को जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियरों के साथ झारखंड से आए 150 आदिवासी शामिल होंगे। अयोध्या के आसपास के गांव के कुम्हारों से दिए जुटाए जा रहे हैं। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दिए को जुटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में यह आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन कारीगरों को लगाया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बरहागोड़ा में सर्वाधिक 42.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 23, 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने सभी जोनल आईजी, सभी डीआईजी, एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने हिस्ट्री शीटर अपराधियों और अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों से लगने वाले जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में रांची जोनल आईजी अखिलेश झा ने अंतर्राज्यीय चेकनाका का निरीक्षण किया। इस दौरान चेकनाका में तैनात मजिस्ट्रेट पदाधिकारी और जवानों को सख्ती से वाहनों की जांच करने का आदेश दिया। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने सभी जिला निर्वाची कोषांगों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रांची हटिया कांके मांडर के निर्वाची कोषांगों का जायजा लेते हुए निर्वाची पदाधिकारियों से अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले और अभ्यर्थियों को देने वाले सामग्री की व्यवस्था का रिव्यू किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार के मार्गदर्शन में खूंटी डालसा सभागार भवन में सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, लीगल एंड क्लिनिक और पुराने और नवनियुक्त पीएलवी के साथ नालसा स्कीम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी जानकारी दी गई। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे के ई टिकट के अवैध व्यवसाय में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक सूरज पांडे ने बताया कि आने वाले दिवाली, छठ पर्व के मद्देनजर टिकट दलालों के खिलाफ विशेष चौकसी बरती जा रही है। इसी क्रम में एक व्यक्ति को टिकट कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खूंटी राजी मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से ठोकर मार दी। इससे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलदाग पंचायत के सुदूरवर्ती गाँव बनवार में मिट्टी के खदान में दबने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अब खबर खेल की। गढ़वा में खेली जा रही 24वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल विभिन्न आयु वर्ग के फाइनल खेले गए।
अंडर 19 बालक वर्ग में गढ़वा के अनिमेश कुमार पांडे ने गढ़वा के नितेश कुमार मेहता को 4-1 से हराकर खिताब जीता। वहीं बालिकाओं में पूर्वी सिंहभूम की अर्चिता डे ने धनबाद की सृजनी चटर्जी को 3-0 से, जबकि महिला वर्ग के डबल्स में गढ़वा की अंजलि और आयुषी की जोड़ी ने पूर्वी सिंहभूम की अनुष्का और सानिया बनर्जी की जोड़ी को 3-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। बिहार के राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की गौरव यात्रा कल रांची पहुंची। यह मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में ट्रॉफी का शानदार स्वागत किया गया। मौके पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमरॉय टेटे और अर्सिता लकड़ा ने ट्रॉफी का अनावरण किया। चेन्नई में 4 से 15 नवंबर तक 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इसमें शामिल होने के लिए हॉकी झारखंड के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल का आयोजन कल मरांग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में किया गया। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों के 70 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें से 25 खिलाड़ी चयनित किए गए। SGFI राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2024-25 प्रतियोगिता में धनबाद की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में राज्य के 2500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतियोगिता में धनबाद को कुल 6 स्वर्ण पदक मिले, जबकि रांची को 4 और गुमला को 3 स्वर्ण पदक मिले। अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। बीस अक्टूबर साल 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपने 41वें सत्र में यह घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को हर 5 साल बाद मनाने की घोषणा हुई, जिसके बाद इसे 2015 में दूसरी बार मनाया गया। आज ही के दिन 2020 में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। 20 अक्टूबर साल 1930 को भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ का जन्म हुआ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वे भारत की पहली महिला थी। मदर इन लॉ के नाम से मशहूर लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी। साल 1998 से 2000 तक वे भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं। लीला सेठ निर्भया गैंगरेप के लिए बनी जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली जस्टिस वर्मा कमेटी की सदस्य भी रहीं। 20 अक्टूबर साल 1996 से विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ने इस दिन को मनाने की घोषणा की। 20 अक्टूबर साल 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू हुआ, जिसे भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। चीन में साल 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। चीनी सेना ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4,250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और चीन की सेना अपने पहले वाली जगह पर वापस लौट आई। सेहत के आज के अंक में देखते हैं बेहतर पाचन के बारे में। बेहतर पाचन हमारे समग्र स्वास्थ्य और पाचन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं के निर्माण के लिए करता है। रक्त द्वारा उन्हें अवशोषित करने और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने से पहले भोजन और पेय पदार्थ को पोषक तत्वों के छोटे अणुओं में बदलना चाहिए। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रकीय और रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है,
जिससे रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। हमारी जीवन शैली का प्रभाव हमारे पाचन पर पड़ता है। डाइजेशन हमारे खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल में तब्दील कर देता है जो कि अब्सॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर में एसिमिलेट हो जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है और वियर एंड टीयर को रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा डाइजेशन के जरिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं जो कि हमारे शरीर की डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए आवश्यक हैं। कई कारक हैं जो पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यदि आप वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करते हैं, अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन खाते हैं, रेशेदार पदार्थों का सेवन कम करते हैं, अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, पानी व तरल पदार्थों का सेवन कम करते हैं, अधिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, व्यायाम नहीं करते, शारीरिक श्रम में कमी है, नींद ठीक से नहीं आती या अनियंत्रित जीवन शैली है, इसके अलावा मधुमेह या IBD जैसा कोई रोग है, तो ये भी पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और खराब पाचन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। खराब डाइजेशन के साइन एंड सिम्टम हैं खाने के बाद गैस का बनना, ब्लोटिंग का रहना, इनडाइजेशन, कब्ज का रहना या बार बार लूज मोशंस का हो जाना। इसके अलावा शरीर में थकावट रहना, लो एनर्जी का रहना, सिर में भारीपन, सिर में दर्द रहना, नींद ठीक से ना आना। खराब डाइजेशन की वजह से स्किन एलर्जीज काफ़ी अधिक होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है खराब खाने से फूड एलर्जी होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। हमारा पाचन तंत्र ग्रहण किए गए भोजन और तरल को रसायन में परिवर्तित करता है और उसमें से पौष्टिक तत्वों को अलग कर उन्हें अवशोषित करता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। पाचन तंत्र में कई अंग होते हैं जिनके सहयोग से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने से शुरू होती है, खाना खाने के बाद भोजन की नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में जहां पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इसका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। हाई फाइबर डाइट लें जिसमें कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अधिक लें, ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाएं, सही मात्रा में, सही समय पर, सही मन से, ज़्यादा तला हुआ मसाले वाला तेल वाला खाना खाने से बचें, पानी अधिक पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। प्रोबायोटिक जैसे कि दही का सेवन हमारे डाइजेशन के लिए अति उत्तम है। बाहर का तला हुआ मसाले वाला खाना खाने से बचें, पर्टिकुलरली कटे हुए फल और सब्जियां। रेगुलर एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अल्कोहल और तंबाकू का सेवन ना करें। यदि आप लगातार खराब पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द ही आपको अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल खाने के ठीक तरह से न पचने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खराब पाचन के कारण शरीर को भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए लंबे समय तक खराब पाचन का शिकार लोगों में कमजोरी और कम वजन की समस्या भी हो सकती है। हमारी जीवन शैली और खान पान का पाचन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि आप पाचन समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र मजबूत बने तो आहार पर विशेष ध्यान दें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक 4 प्रत्याशियों ने भरा नामजदगी का पर्चा। कल से नामांकन में तेजी आने की उम्मीद, 25 तक उम्मीदवार भर सकेंगे पर्चे। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 3.25 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। CEO ने कहा 50,000 रुपए तक ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची।
कई बड़े चेहरों को मिली जगह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से लड़ेंगे चुनाव। और उम्मीदवारों के नामों को लेकर कांग्रेस की आज दिल्ली में बैठक, इंडी में सीट शेयरिंग से आरजेडी नाराज, दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी रखेगी अपनी बात।